खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के हंगामा हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। सर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, आज भी बिहार में बंद बुलाया गया है, मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह हालात खराब हैं। देखिए, वास्तव में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एनआरसी लागू किया जा रहा है। सरकार ने एक बार नहीं, अनेक बार कहा कि एनआरसी लागू करने की अभी कोई योजना नहीं है। जब भी कोई योजना बनती है तो सरकार उस पर सभी लोगों से बात करेगी। जिसकी अभी कोई योजना ही नहीं है, उसके विरोध में सड़कों पर उतरना मुझे अनुचित लगता है। जहां तक सीएए की बात है, इससे भारत के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने की बात है। इससे मुझे लगता है कि जो लोग भ्रम फैलाकर, अफवाह फैलाकर इस तरह का एक सांप्रदायिक विवाद पैदा करना चाहते हैं, एक सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनसे सामान्य लोगों को बचना चाहिए। और एक पहल होनी चाहिए जिसके आधार पर जिन लोगों के मन में भ्रम है, गलतफहमियां हैं, उसको दूर की जाए। देखिए, सरकार ने एक बार नहीं, अनेक बार इसका क्लेरिफिकेशन दिया है। राजीव कुमार जी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कल बताया कि एनआरसी की हमारी कोई योजना नहीं और सीएए और एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं और अफवाह फैलाकर समाज में एक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, कम्युनल डिवाइड पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास होना चाहिए। साथ साथ एक सामाजिक स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए अमन चैन का।